हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जनता क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एम्स के एग्जाम में पिछले 21 सालों में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो ऑनलाइन ही देखें ताकि हमारे चैनल का वॉच टाइम थोड़ा बढ़े। बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। चलो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस थ्रू विच द अमाउंट ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन कैन बी नोन एट ए टाइम इज कॉल्ड। वह विधि जिसके द्वारा हम डीएनए आरएनए और प्रोटीन की मात्रा को किसी भी समय जान सकते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑटो रेडियोग्राफी, ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन सी सेलुलर फ्रैक्शनिंग एंड ऑप्शन डी फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑटो रेडियोग्राफी। इज द यूज ऑफ एक्सरे फिल्म टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिव मटेरियल। इट प्रोड्यूसेस अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ पोजिशंस एंड रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ रेडियो लेबल्ड बैंड्स इन अ जेल और स्लॉट। टिपिकली बायोमोलिक्यूल्स आर लेबल्ड विथ 32 फॉस्फोरस आर 35 सल्फर एंड डिटेक्टेड बाई ओवरनाइट फिल्म एक्सपोजर। 1997 में एम्स के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू, बाल्बियानी रिंग्स आर फाउंड इन। बाल्बियानी रिंग्स कहाँ पे पाई जाती हैं? ऑप्शन ए पॉलीसोम्स, ऑप्शन बी पॉलीथीन क्रोमोजोम पॉलीटीन क्रोमोजोम्स, ऑप्शन सी ऑटोसोम्स एंड ऑप्शन डी नाउनसेंस क्रोमोजोम्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पॉलीटीन क्रोमोजोम्स। बाल्बियानी रिंग्स आर टेम्परेरी स्वेलिंग्स इन पॉलीटीन क्रोमोजोम्स हैविंग अनकॉयल्ड एक्टिव डीएनए दैट ट्रांसक्राइब्स आरएनए। ये भी 1997 में आया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन अ डीएनए हेलिक्स साइटोसिन इज पेयर्ड विद गुआनिन बाई। एक डीएनए हेलिक्स में साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करता है, कैसे? ऑप्शन ए कोवेलेंट बाउंड, ऑप्शन बी फॉस्फेट बाउंड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बाउंड एंड ऑप्शन डी टू हाइड्रोजन बाउंड्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन बाउंड्स। साइटोसिन ऑलवेज पेयर्स विथ गुआनिन विथ थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 1997 में पूछा गया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच आरएनए पिकअप स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम अमीनो एसिड पूल इन द साइटोप्लाज्म टू राइबोजोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा आरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड पिक करता है अमीनो एसिड पुल से साइटोप्लाज्म में जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है? ऑप्शन ए है टीआरएनए, ऑप्शन बी है मैसेंजर आरएनए, ऑप्शन सी है राइबोजोमल आरएनए एंड ऑप्शन डी है एचएनआरएनए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टीआरएनए मींस ट्रांसफर आरएनए। 1998 में आया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऑप्शन ए लीनियर, ऑप्शन बी डबल हेलिक्स, ऑप्शन सी सिंगल हेलिक्स एंड ऑप्शन डी ट्रिपल हेलिक्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज डबल हेलिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्रांसपोसोन वाज डिस्कवर्ड बाई। ट्रांसपोसोन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए सटन, ऑप्शन बी स्ट्रैसबर्गर, ऑप्शन सी फिशर एंड ऑप्शन डी बी एम सी क्लिंटॉक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एम सी क्लिंटॉक। डिस्कवर ट्रांसपोसोन आर जंपिंग जीन्स इन मेज प्लांट्स इन 1983। एनसीईआरटी के बाहर का है, याद कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेवन, रूट सेल ऑफ वीट हैज 42 क्रोमोजोम। व्हाट कुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द साइनर्जिड सेल। रूट सेल में 42 क्रोमोजोम है, साइनर्जिड में सेल की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 28। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 21। द रूट सेल इन वीट इज सोमेटिक सेल एंड हैंस 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स विच इज डिप्लॉयड कंडीशन। द साइनर्जिड सेल इज फॉर्म्ड फ्रॉम आफ्टर मियोसिस अलॉन्ग विद द ओवम एंड हैज 21 क्रोमोजोम विच इज हैप्लॉयड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 8, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए लीडिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन बी लैगिंग स्ट्रैंड, ऑप्शन सी नॉनसेंस स्ट्रैंड एंड ऑप्शन डी सेंसफुल स्ट्रैंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैगिंग स्ट्रैंड। एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9, वोबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय। वोबल हाइपोथेसिस किसने दी थी? ऑप्शन ए एफ एस सी क्रिक, ऑप्शन बी नीरेनबर्ग, ऑप्शन सी हॉले एंड ऑप्शन डी खुराना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बबल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय एफ एस सी क्रिक। इट स्टेट दैट द फर्स्ट पोजिशंस ऑफ अ ट्रिपलेट कोडॉन एंड मैसेंजर आरएनए हैव अ प्रिसिज पेयरिंग
विद द बेसिस ऑफ द ट्रांसफर ऑन एंटीकोडन। यहाँ पे होता है पहले टू पोजिशन फिक्स होंगी, थर्ड पोजिशन बदलती रहती है, यही होता है बाइबल हाइपोथेसिस का मतलब। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स और नेम्स मीन वन एंड द सेम थिंग। इनमें से किस टर्म में नेम का मतलब एक ही चीज़ से होता है? ऑप्शन ए जीन पूल जीनोम, ऑप्शन बी कोडॉन जीन, ऑप्शन सी सिस्ट्रॉन ट्रिपलेट एंड ऑप्शन डी डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द सेम थिंग, 2003 में आया था। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रू अबाउट ट्रांसफर आरएनए के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या क्या चीज़ सही है? ऑप्शन ए इट बाइंड्स विद एन अमीनो एसिड एट इट्स थ्री प्राइम एंड, यह अमीनो एसिड के थ्री प्राइम एंड पे जुड़ता है। ऑप्शन बी इट हैज़ फाइव डबल स्टैंडर्ड रीजन, इसमें पांच डबल स्टैंडर्ड रीजन होते हैं। ऑप्शन सी इट हैज़ ए कोडान एट वन एंड विच रिकॉग्नाइजेज द एंटी कोडान ऑन मैसेंजर आरएनए, इस पर एक कोडान होता है एक किनारे पे जो कि मैसेंजर आरएनए के एंटी कोडान को पहचानता है। ऑप्शन डी इट लुक्स लाइक क्लोवर लीफ इन द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में यह क्लोवर लीफ की तरह दिखाई पड़ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट हैज़ अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, 2003 में ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोडांस कोड्स फॉर द सेम इन्फॉर्मेशन एज यूजीसी, इनमें से कौन सा कोडान सेम इन्फॉर्मेशन के लिए कोडिंग करता है जैसे कि यूजीसी करता है? ऑप्शन ए यूजीयू, ऑप्शन बी यूजीए, ऑप्शन सी यूएजी एंड ऑप्शन डी यूजीजी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूजीयू, यूजीयू एंड यूजीसी कोड्स फॉर सिस्टीन। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन एन ऑर्गेनिज्म एट वन पॉइंट द प्रोसेस कम्स टू अ हाल्ट, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ द थ्री कोडांस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम विच एनी ऑफ द थ्री कोड ब्रिंग अबाउट दिस हाल्ट। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एक पॉइंट पे यह प्रोसेस क्या होती है? हाल्ट होती है, रुकती है, ठहरती है। इनमें से तीन कोडान पहचानिए जिनकी वजह से हम हाल्टिंग प्रोसेस को ला सकते हैं, ठीक है, कोई भी इनका इस्तेमाल करके उसे रोक सकता है, ठीक है। ऑप्शन ए है यू यू यू, ऑप्शन बी यू सी सी, ऑप्शन ओ ऑप्शन ए में तीन है यू 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 सी सी यू ए यू, ऑप्शन बी में तीन है यू यू सी यू यू ए यू ए सी, ऑप्शन सी है यू ए जी यू जी ए यू ए एंड ऑप्शन डी है यू यू जी यू सी ए यू सी जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोटीन टर्मिनेशन अकर्स बाय नॉनसेन कोडान, इट मीन्स यू यू ए यू ए ए यू जी ए यू ए जी। क्वेश्चन नंबर 14, द टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन ह्यूमन जीनोम इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट, ह्यूमन जीनोम में नाइट्रोजनस बेसिस की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3.5 मिलियन, ऑप्शन बी 35,000, ऑप्शन सी 35 मिलियन एंड ऑप्शन डी 3.1 बिलियन। करेक्ट आंसर है 3.1 बिलियन, 2004 और 2008 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विथ रिगार्ड टू द कोडॉन एंड द इम्यूनो एसिड कोडेड बाई इट, इनमें से कौन सा कोडान मैच कर रहा है अपने उस इम्यूनो एसिड से जिसे यह कोड करता है? ऑप्शन ए है यू यू ए वैलिन, ऑप्शन बी है ए एम लाइसिन, ऑप्शन सी है ए यू जी सिस्टीन एंड ऑप्शन डी है सी 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 एलेनिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यू यू ए वैलिन के लिए कोडिंग करता है। क्वेश्चन नंबर 16, फिगर को देखिए, पूछा है व्हाट इज द एरर इन एबव डायग्राम, ऊपर दिए गए डायग्राम में क्या गलती है, ठीक है। ऑप्शन ए एरोज आर रॉन्गली डिपिक्टेड, एरो को गलत दिखाया गया है। ऑप्शन बी पोलैरिटी इज इनकरेक्ट, पोलैरिटी गलत है। ऑप्शन सी बॉथ एरोज एंड पोलैरिटी आर इनकरेक्ट, एरो और पोलैरिटी दोनों इनकरेक्ट हैं एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पोलैरिटी इज इनकरेक्ट, यहाँ पे पोलैरिटी गलत दिखाई गई है। थ्री प्राइम पे हमेशा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम का फॉर्मेशन होता है तो इसे गलत दिखाया गया है, 2009 में पूछा गया था एम्स के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 73, टाटा बॉक्स ऑफ यूकैरियोटिक प्रोमोटर लाइज, यूकैरियोटिक प्रोमोटर का जो टाटा बॉक्स होता है कहाँ पे होता है? ऑप्शन ए अबाउट 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ऑप्शन बी अबाउट 50 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ऑप्शन सी अबाउट 75 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट एंड ऑप्शन डी है अबाउट 200 बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
टाटा बॉक्स ऑफ यू कराट प्रोमोटर लाइज अबाउट 25 बेस पेयर ऑफ स्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द मैनर ऑफ रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कौन सा फिगर डीएनए के रिप्लिकेशन को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। फिगर को देखिए, ए फिगर देख लीजिए, बी देख लीजिए, सी देख लीजिए, 2003 और 2012 दो बार पूछा गया है, एंड डी देख लीजिए। तो करेक्ट है यहाँ पे फिगर डी। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। ऑप्शन ये है, अगर आरएनए सिंथेसिस का डायरेक्शन 5' to 3' होगा तो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड 3' to 5' होगा। आरएनए सिंथेसिस 3' to 5' होगा तो टेम्पलेट 5' to 3' होगा। ऑप्शन सी, आरएनए सिंथेसिस 5' to 3' होगा तो टेम्पलेट भी 5' to 3' होगा, एंड आरएनए सिंथेसिस 3' to 5' होगा तो टेम्पलेट भी 3' to 5' होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5' to 3' जब आरएनए सिंथेसिस होगा तो टेम्पलेट 3' to 5' होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन डीएनए। इनमें से कौन सा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन ए है 5' GAATTC 3', 3' CTTAAG 5'। ऑप्शन बी है 5' CCAATG 3', 3' GAATCC 5', फिर 5' CATTAG 3', 3' GATAAC 5', डी 5' GATACC 3', 3' CCTAAG 5'। तो यहाँ पे करेक्ट जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ऑप्शन ए है, करेक्ट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस गुआनिन एडिनिन एडिनिन थायमिन थायमिन काइटोसिन, सामने है काइटोसिन, एडिन के सामने थायमिन थायमिन, फिर एडिनिन एडिनिन एंड गुआनिन। क्वेश्चन नंबर 21, 30% ऑफ द बेसिस इन अ सैंपल ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स इज एडिनिन, व्हाट परसेंट ऑफ साइटोसिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। अगर 30% एडिनिन होगा तो कितना होगा गुआनिन का, तो जितना एडिनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, क्योंकि एडिनिन और थायमिन इक्वल होते हैं। 30% एडिनिन है तो 30% थायमिन, बचा हुआ क्या 40% गुआनिन और काइटोसिन, तो 20% गुआनिन एंड 20% काइटोसिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20%, 2015 में पूछा गया था और ये चारग्राफ्स रूल से निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, देर आर 3 जीन्स ए बी सी, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इज 20%, बी एंड सी इज 28% एंड ए एंड सी इज 8%, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोजोम। जीन्स पे क्रोमोजोम का सीक्वेंस क्या होगा, तो ऑप्शन ए है बी ए सी, ऑप्शन बी है ए बी सी, ऑप्शन सी है ए सी बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए ए और बी के बीच में 20% है और बी और सी के बीच में 28% है, मतलब कि बी और सी के बीच में ए प्रेजेंट है, तभी तो ए और बी के बीच में 20%, बी और सी के बीच में 28% और ए और सी के बीच में 8%। तो अगर हम बी और सी को रखें, बीच में ए के रखें, तो ए और बी के बीच में 20% आएगा और ए और सी के बीच में 8% आएगा, और जो सीक्वेंस है वो क्या है, ऑप्शन ए बी ए सी। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कोडॉन्स इज कॉल्ड एज डी जनरेट कोडॉन्स। इनमें से कोडॉन्स के किस ग्रुप को हम डी जनरेट कोडॉन्स कहेंगे। ऑप्शन ए है यू ए ए, यू ए जी एंड यू जी ए। ऑप्शन बी है जी यू ए, जी यू जी, जी सी ए, जी सी जी एंड जी ए ए। ऑप्शन सी है यू यू सी, यू यू जी, सी सी यू, सी ए ए एंड सी यू जी। ऑप्शन डी है यू यू ए, यू यू जी, सी यू यू, सी यू सी, सी यू ए एंड सी यू जी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यू ए ए, यू ए जी एंड यू जी ए आर कॉल्ड डीजनरेट कोडॉन्स और नासेंट कोडॉन्स एंड टर्मिनेटर कोडॉन्स। तो टर्मिनेटर कोडॉन्स, नॉनसेंस कोडॉन्स, डीजनरेट कोडॉन्स सभी की एक ही चीज़ होती है। 2016 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, द गिवन फिगर शोज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम विद दियर पार्ट्स लेबल्ड एज ए बी एंड सी, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। 2017 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ए बी ओ सी पहचानना है, एन सी आर टी का ही क्वेश्चन है, एन सी आर टी में ये फिगर भी
दिया गया है, ऑप्शन ए है ए डीएनए है, बी एच वन हिस्टोन है और सी हिस्टोन ऑक्टामर है। बी ऑप्शन बी ए एच वन हिस्टोन है, बी डीएनए है, सी हिस्टोन ऑक्टामर है। ऑप्शन सी ए हिस्टोन ऑक्टामर है, बी डीएनए एंड सी एच वन हिस्टोन एंड ऑप्शन डी ए आरएनए है, बी एच वन हिस्टोन है एंड सी हिस्टोन ऑक्टामर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ए डीएनए है, बी एच वन हिस्टोन है और सी हिस्टोन ऑक्टामर है जिस पे डीएनए रैप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द कोडांस गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दियर रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड गिवन इन कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। कॉलम फर्स्ट में जो कोडांस दिए गए हैं उनके अमीनो एसिड से मैच करिए। तो ऑप्शन ए में कर रहा है कि ए के लिए थर्ड है, बी के लिए फोर्थ है, सी के लिए फर्स्ट है, डी के लिए फिफ्थ है, डी के लिए सेकंड है। तो हम सीधे करेक्ट आंसर ही बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही है, मतलब UUU फिनाइल एलिनिन के लिए है, GGG ग्लाइसिन के लिए है, UCU सेरीन के लिए है, CCC प्रोलिन के लिए है एंड AUG मेथियोनिन के लिए है। अब आ गया टाइप बी, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। तो पहले में पांच ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी ई। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, असर्शन हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स ऑफ मेजर इंपॉर्टेंस इन पैकेजिंग ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए। डीएनए एंड हिस्टोन्स कंप्राइज क्रोमेटीन फॉर्मिंग द बल्क ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोजोम। रीजन है हिस्टोन्स आर ऑफ फाइव मेजर टाइप्स, एच वन एच टू ए एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर। हिस्टोन जो होते हैं ये यूकैरियोटिक डीएनए के पैकेजिंग में मेजर प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं। डीएनए और हिस्टोन दोनों मिलकर क्रोमेटीन का फॉर्मेशन करते हैं जो कि यूकैरियोटिक क्रोमोजोम का ज़्यादातर हिस्सा होता है। अब बता रहा है दूसरा रीजन क्या है कि हिस्टोन के पांच मुख्य प्रकार हैं, एच वन एच टू ए एच टू बी एच थ्री एंड एच फोर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 27, असर्शन मैसेंजर आरएनए अटैच टू राइबोजोम थ्रू इट्स थ्री प्राइमेट एंड। मैसेंजर आरएनए राइबोजोम से उसके थ्री प्राइमेट एंड से जाके जुड़ता है। रीजन द मैसेंजर आरएनए हैज एफ कैप्सुलर कैप्सुलर न्यूक्लियोटाइड एंड बेसिस ऑफ लैगिंग सीक्वेंस। मैसेंजर आरएनए में एफ कैप्सुलर न्यूक्लियोटाइड होते हैं और उसके लैगिंग सीक्वेंस के बेसिस होते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एसर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 28, असर्शन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस ब्लड ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों न्यूक्लियस में होते हैं लेकिन ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। रीजन मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम्स एंड एमिनो एसिड्स आर अवेलेबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है जहाँ पे राइबोसोम और एमिनो एसिड अवेलेबल होते हैं प्रोटीन के निर्माण के लिए। तो यस बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यहाँ पे ए होगा। 29, असर्शन एन असर्शन एन ऑर्गेनिज्म विथ लीथल म्यूटेशन मे नॉट इवन डेवलप बियॉन्ड द जाइगोट। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास लीथल म्यूटेशन हो गया है उसके अंदर तो क्या है वह जाइगोट से आगे डेवलप नहीं कर पाएगा। रीजन ऑल टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन आर लीथल। कारण है कि सभी प्रकार के जीन म्यूटेशन क्या होते हैं लीथल होते हैं। तो 29 यहाँ पे आंसर है सी असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, असर्शन पॉलीटीन क्रोमोजोम्स हैव ए हाई अमाउंट ऑफ डीएनए। पॉलीटीन क्रोमोजोम में डीएनए का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। रीजन पॉलीटीन क्रोमोजोम्स आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड रेप्लिकेशन। पॉलीटीन क्रोमोजोम रिपीटेड रेप्लिकेशन के द्वारा बनते हैं। इसके लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यस, पॉलीटीन क्रोमोजोम में हाई अमाउंट ऑफ डीएनए होता है और रिपीटेड रेप्लिकेशन के कारण ही बनते हैं। बहुत असर्शन रीजन आर करेक्ट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब 31 से 35 के लिए चार ही ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी। असर्शन डीएनए इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन। डीएनए प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है यस। असर्शन रीजन डीएनए बाइंड्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन दैट फॉर्म अ पूल एंड द इंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। करेक्ट है असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन द अपटेक ऑफ डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज एन एक्टिव एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जब डीएनए को लिया जाता है तो एक्टिव और एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। रीजन ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स इन ओनली दोज बैक्टीरिया
विच प्रोसेस द एंजाइमेटिक मशीनरी इन्वॉल्व इन द एक्टिव अपटेक एंड रिकम्बिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन उन्हीं बैक्टीरिया में होता है जिनके पास एंजाइमिक मशीनरी होता है जो कि एक्टिव अपटेक और रिकम्बिनेशन में हिस्सेदारी निभाता है। यस बहुत ही सही, रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 यू ए यू ए जी यू जी ए टर्मिनेट प्रोटीन सिंथेसिस, रीजन दे आर नॉट रिकोगनाइज बाई ट्रांसफर आर एन ए, करेक्ट है। बहुत ही सही, रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 34 इन अ डीएनए मॉलिक्यूल एडेनिन थायमिन रिच पार्ट्स मेल्ट बिफोर गुआनिन काइटोसिन रिच पार्ट्स। डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन और थायमिन रिच जो पार्ट होते हैं वो गुआनिन काइटोसिन पार्ट से पहले मेल्ट कर जाते हैं। रीजन है इन बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, एडेनिन और थायमिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जबकि गुआनिन और काइटोसिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जबकि गुआनिन और काइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन सी है सही, 2010 और 2015 दो बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 35 असर्शन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अकर इन द न्यूक्लियस बट ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है लेकिन ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। रीजन मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म वेयर राइबोसोम अमीनो एसिड आर एबल फॉर फोटोसिंथेसिस। मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर किया जाता है जहाँ पे राइबोसोम अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो सही है, एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन का एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन ए इसके लिए सही है। यह क्वेश्चन 3 बार यहाँ दिखा रहा है कि 2008, 2015, 2017 में पूछा गया है जबकि अभी एक बार और यह क्वेश्चन हमें पहले ही मिल चुका है। तो यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जिन चैप्टर्स पे आपको क्वेश्चन चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं और जल्द से हमारे चैनल पे सब्सक्रिप्शन का 1000 पूरा करवा दें। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और हमारे चैनल से इसी तरह से जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद दोबारा।